अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 वर्क पावर एंड एनर्जी चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो से हमने इस चैप्टर का जो आखिरी पोर्शन था जो कि एनर्जी वाला था उसे स्टार्ट किया था। और उस वीडियो के अंदर हमने एनर्जी की डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट और इसकी जो दो टाइप्स थी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उनकी डेफिनेशन, उनकी डेरिवेशन, फार्मूलाज वगैरह और जितनी भी चीज़ें थी वो हम लोग पिछली वीडियो के अंदर कवर करके आ चुके हैं। अब इस चैप्टर की थ्योरी के सिर्फ दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो रहते हैं, जिनमें से एक आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और फिर जो आखिरी रह जाएगा वो हम लोग आने वाली वीडियो के अंदर कवर करके इस चैप्टर की थ्योरी को एंड करेंगे। अच्छा, फिर ये वाला जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 4 है, क्योंकि पिछले वाला जो लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 3 था। और इस लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 4 के अंदर, हम लोग एक डेरिवेशन को जो है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं जो कि वर्क एनर्जी इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। एक इक्वेशन को ड्राइव करना है जिसे हम लोग वर्क एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं। और ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ सपोजिशन करनी पड़ेगी। आपके नोट्स के अंदर डाटा वगैरह या फिर जितना भी लिखने का होता है वो आपको मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पर सिर्फ जो समझ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है और इस डेरिवेशन को समझने के लिए पिछली वीडियो के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हमने बनाए हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, वो आप लोगों के जहन में होने चाहिए, उनको आप रिवाइज कर लें। अच्छा, आप फ़र्ज़ करें कि एक बॉडी है जो कि सरफेस ऑफ अर्थ से, ये जो हमारे पास लाइन है ये सरफेस ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इससे h डिस्टेंस के ऊपर एक कोई बॉडी पड़ी हुई है जिसका मास क्या है, m। एक बॉडी पॉइंट p के ऊपर सरफेस ऑफ अर्थ से पड़ी हुई है जिसकी हाइट सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी है, h। इसके ऊपर एक बॉडी जो है यहाँ पे पड़ी हुई है जिसका मास m है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट p के ऊपर, एट पॉइंट p, ठीक है, पॉइंट p के ऊपर अगर हम लोग देखें तो इस बॉडी के पास जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अभी फ़िलहाल रेस्ट के अंदर पड़ी हुई है। सरफेस ऑफ अर्थ से इस पॉइंट के ऊपर रेस्ट के अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है तो इसके पास जो एनर्जी होगी हाइट की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो किसके बराबर होगी, एम जी एच के, ठीक है, वेट मल्टीप्लाइड बाय हाइट। और जो हमारे पास ये फार्मूला आया था ये भी वर्क डन, बेसिकली जो एनर्जी होती है ये वर्क डन नहीं होता है। अगर आप लोग इसको देखो तो एम जी किसके बराबर होता है, वेट के, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एच। वेट क्या है, एक फोर्स है, और यहाँ पे h क्या है, डिस्टेंस है, और f इंटू d किसके बराबर होता है, वर्क के। तो एनर्जी का हमने पहले भी ये कॉन्सेप्ट जो पिछली वीडियोस में लिया था कि एनर्जी और वर्क डन जो है ये तकरीबन सेम ही है, बल्कि वर्क डन जो है वो एक सोर्स है या फिर एक ज़रिया है जिसके ज़रिए से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। असल में जो भी वर्क डन होता है, जो किसी भी बॉडी के ऊपर किया जाता है, वो एनर्जी को ही ट्रांसफ़र करके किया जाता है या फिर वो एनर्जी ही होती है, क्योंकि वर्क डन की भी यूनिट जूल है और एनर्जी की भी यूनिट जूल है, ठीक है। तो जो एनर्जी होगी इस बॉडी के पास इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट पी के पास, पॉइंट पी के ऊपर, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि हाइट की वजह से जो हम लोग एनर्जी देख रहे हैं इस बॉडी के ऊपर वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वो कितनी होगी, एम जी एच के बराबर होगी। अब अगर हम लोग ये कंसीडर करें कि ये जो बॉडी है ये आस्ते आस्ते नीचे की तरफ इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये फ्री फॉल जो है मोशन इसकी हुई और ये नीचे की तरफ जा रही है सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ। अब जब ये पॉइंट क्यू के ऊपर पहुंचेगी तो एक हमने यहाँ पे पॉइंट अज्यूम किया हुआ जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये पॉइंट क्यू है। इस पॉइंट क्यू का पी से जो डिस्टेंस है, यानी कि पी से जितना नीचे ये गई है वो कितना है, एक्स, मतलब यहाँ से लेकर इस पॉइंट पी से लेकर पॉइंट क्यू तक का जो डिस्टेंस है इतना, ये हमारे पास क्या है, एक्स डिस्टेंस है, यानी कि बॉडी ने एक्स डिस्टेंस जो है वो नीचे की तरफ मूव किया है। और इस पॉइंट को अभी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, मतलब इसने मोशन परफॉर्म की नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ जा रही है, फ्री फॉल मूव कर रही है, और हम इस पॉइंट को जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट क्यू को, जिसका डिस्टेंस पी से जो है वो एक्स है, ठीक है, और जो बाकी डिस्टेंस रह जाएगा इस क्यू से सरफेस ऑफ अर्थ का वो कितना रह जाएगा, एच माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स है और पूरा जो डिस्टेंस है वो हमारे पास एच है, ठीक है। तो एच में से अगर हम लोग ये माइनस कर दें तो ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस बचेगा वो हमें मिल जाएगा एच। तो हमने क्या किया है कि h को माइनस कर दिया x से, और ये काफ़ी सिंपल है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो 10 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे 4 है,
तो ये जो बची हुई होगी ये कितनी होगी, आप लोग सब बताओगे 6। कैसे आया होगा, इस 10 को माइनस किया होगा 4 से, 10 माइनस का 4। तो यहाँ पे भी हमने ये लिखा हुआ है कि 10 और हमारे पास जो ये वाला डिस्टेंस था 4, इसको हमने माइनस करके यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं तो इसलिए हमने इनको h माइनस का x करके लिखा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास क्या होगा, h माइनस का x। अब अगर हम लोग जो है वो देखें कि यहाँ पे होगा क्या, कि जब बॉडी पॉइंट Q के ऊपर पहुँचेगी तो एट पॉइंट Q के ऊपर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी कितनी रह जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग पॉइंट Q के ऊपर निकालना चाहें बॉडी की, बॉडी यहाँ पे आ गई पॉइंट Q के ऊपर, अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये वाला डिस्टेंस ठीक है और मल्टीप्लाई बाय एम जी और जो हमारे पास हाइट होती है। पोटेंशियल एनर्जी की जो हमने फार्मूला बनाया था वो क्या बनाया था कि वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट जितनी भी जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ से है, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ जितनी भी हाइट के ऊपर वो बॉडी पड़ी हुई है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करवा दो वेट ऑफ द बॉडी यानी कि एम जी, तो हमारे पास क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो एम जी और अब सरफेस ऑफ अर्थ से इसकी जो हाइट है वो कितनी है, एच माइनस का एक्स, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एच माइनस का एक्स। पॉइंट क्यू के ऊपर इसकी जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, एम जी इंटू एच माइनस का एक्स। या फिर इसे अगर हम लोग जो है वो खोल के लिख दें तो ये, चलो अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिखने दो। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो एम जी एच है वो इससे बड़ी है बिल्कुल, इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी जाहिर सी बात है वो ज़्यादा होगी बनिस्बत इस पॉइंट की, क्यों, क्योंकि हाइट हमने देखा है कि यहाँ पे कम हो गई है, यहाँ पे जो हाइट थी वो 10 थी, अब यहाँ पे जो हाइट है वो आपके पास 6 है। तो जितनी ज़्यादा हाइट होती है, क्योंकि हाइट मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना एम जी के साथ, तो 10 को मल्टीप्लाई कराओ एम जी के साथ और एम जी को ही आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, तो देखने से ही पता लग रहा है कि ये वाली जो है ये आपके पास बड़ी है, ये वाली इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास छोटी आएगी। तो हम लोग यूँ लिख सकते हैं कि एम जी एच माइनस का एक्स इज लेस देन एम जी एच, मतलब पॉइंट पी के पास जो पॉइंट पी के ऊपर जो उस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो ज़्यादा थी, और पॉइंट क्यू के ऊपर जब वो बॉडी पहुँचेगी तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके अंदर कमी आ जाएगी, वो जो है वो काफ़ी कम होगी एम जी एच के मुकाबले में, यानी कि बॉडी ने पोटेंशियल एनर्जी लॉस की है इस वाले हमारे पास इन्वेस्टिगेशन से, इस वाली जो भी हमने यहाँ पे जो है वो चीज़ की है, वर्किंग की है अपनी। हमने क्या चीज़ देखी कि इस बॉडी ने पॉइंट क्यू के ऊपर पहुँच के अपनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर दी। अब अगर इसको अगर हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, तो ये एम जी एच बन जाएगा, ठीक है, एम जी मल्टीप्लाई होगा एच से तो एम जी एच, और माइनस एम जी मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो क्या, एम जी एक्स। और अगर इसको जो है वो अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें तो ये आपके पास जो है वो एक किस्म की इक्वेशन बन रही है, ठीक है। अब अगर इसको देखें तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि एम जी एच में से एम जी एक्स को माइनस करोगे तो हमें पता लगेगा कि पॉइंट क्यू के ऊपर उसके पास उसकी जो है वो एनर्जी कितनी थी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी थी, यानी कि ये हमें बता रहा है पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू, और ये वाली जो है ये आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट पी, और वो यहाँ से भी आ सकता है एम जी एच, इसको भी अगर आप लोग खोलते तो यही बनता एम जी एच माइनस का एम जी एक्स, ठीक है। तो ये वही हमने जो है यहाँ पे खोल के लिखी है। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये जो एम जी एक्स है ये बेसिकली क्या है, एम जी एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एक्स, उस बॉडी ने जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस की है वो किसके बराबर है, एम जी एक्स के बराबर है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसने लॉस कर दी है। और ये असल में क्या है, ये भी वर्क डन है जो बॉडी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करने में जो वर्क डन लगा उस बॉडी के ऊपर वो हमारे पास क्या है, एम जी एक्स, क्योंकि हमें पता है कि एम जी जो होता है वो डब्ल्यू के बराबर होता है, और जो एक्स है ये हमारे पास डिस्टेंस है पॉइंट पी से लेकर पॉइंट क्यू तक का, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास क्या है, वर्क डन है जो उस बॉडी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए जो है वो परफॉर्म किया है, और ये लॉस हो गया है। अब अगर ये लॉस हो गया है तो ये गया कहाँ, ये जो लॉस आया पोटेंशियल एनर्जी के अंदर इस बॉडी
के पास जो थी पॉइंट पी के ऊपर, अब वो पॉइंट क्यू के ऊपर गई है, इसके अंदर इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी से इतना जो हमारे पास अमाउंट था वो लॉस हो गया, तो वो कहाँ पे गया है? वो अब कन्वर्ट हो गया होगा काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया होगा, क्योंकि हमने पिछली ही वीडियो के अंदर पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास किस वजह से आती है बॉडी के पास, उसकी मोशन की वजह से। तो यहाँ से क्या हुआ है, मूव ही तो किया है बॉडी ने, यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया है, तो मूव जैसे जैसे वो करती गई, उसकी वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती गई या फिर जैसे जैसे वो मूव करती गई, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसके अंदर कमी आती गई, और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी उसके अंदर क्या आता गया, इजाफा आता गया, वो इंक्रीज होती गई, क्योंकि उसकी वो जो बॉडी थी वो मूव करना स्टार्ट कर दिया था उसने। तो जैसे जैसे वो नीचे आती रहेगी, इस पॉइंट क्यू के ऊपर पहुंचेगी, तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी चली गई होगी वो किसके बराबर होगी, इस वर्क डन के, या फिर इस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एट पॉइंट क्यू, ठीक है, जो हमारे पास गेन आया होगा काइनेटिक एनर्जी के अंदर, या फिर जो लॉस आया होगा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ही, ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉस जो आया है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर वो किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, काइनेटिक गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लिख दो कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉस गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, पॉइंट क्यू के ऊपर एम जी एक्स के, गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, एम जी एक्स के। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे बॉडी फ्रीली मूव करती जाती है, नीचे नीचे ऐसे जाती जाती है, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉडी के पास वो आहिस्ता आहिस्ता लॉस होती जाती है, और वो जो लॉस हो रही होती है वो ख़त्म नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो रही होती है, फिर काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है। अब इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोग दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया, और अगर इसे जो है वो मज़ीद हम लोग थोड़ा सा और देख लें, तो जैसे जैसे ये नीचे जाती जाएगी, और फ़र्ज़ करो कि ये नियरली सरफेस ऑफ अर्थ के पास पहुंच गई, नियरली सरफेस ऑफ अर्थ के पास पहुंच गई, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा पॉइंट पी से लेकर यहाँ तक का, वो तकरीबन एच के बराबर हो जाएगा, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर चला जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी एम जी एच के बराबर चला जाएगा, ठीक है, मतलब जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और बॉडी बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ के इक्वल आ जाएगी, तो एम जी के इक्वल आ जाएगा, एम जी एच के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस होगा आपके पास अब एच के इक्वल हो गया होगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ पे इतना है कि जैसे जैसे बॉडी नीचे जा रही होती है, जो भी लॉस आ रहा होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अब हमारे पास दो केसेस हैं, एक केस क्या है कि व्हेन देयर इज़ नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फ़र्ज़ करो कि यही जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, ठीक है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, ये फिर वाला जो केस था जो भी हमने स्टडी किया, ये कौन सा था, ये इन द एब्सेंस ऑफ आपके पास क्या था, फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्रिक्शन का जिक्र नहीं किया। अब अगर फ्रिक्शन इस वाले केस के अंदर नहीं है और इसको हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, आइडियल कंडीशन है हमारे पास कि बॉडी फ्रीली मूव कर रही है और एयर जो है वहाँ पर मौजूद नहीं है, एयर की कोई फ्रिक्शन, वैसे अगर हम लोग देखें तो एयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन लगाती है, अगर रियल के अंदर देखें तो बॉडी जैसे जैसे नीचे आ रही होती है एयर फ्रिक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल जो है अपना प्ले करती है और अच्छी खासी फोर्स उस बॉडी के ऊपर लगाती है अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी। लेकिन इस केस के अंदर या फिर जो पहला केस हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा कर भी चुके हैं, तो यहाँ पे जो है वो हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि फ्रिक्शन की जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं है, फिर फ्रिक्शन जो है यहाँ पे एब्सेंस है। तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जितना भी लॉस होता है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, अगर जनरली हम लोग बात करें, ठीक है, पॉइंट क्यू के ऊपर या पॉइंट जो है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर अभी हम लोग रह के बात नहीं कर रहे, जनरली अगर हम लोग बात करें तो ये वाली जो है वो इक्वेशन होती है, फिर ये चीज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं कि जितना भी लॉस आया पोटेंशियल एनर्जी के अंदर वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, और अगर इसके अंदर हम लोग वैल्यूज डाल दें तो एम जी एच इक्वल्स टू हाफ का एम वी स्क्वायर, जितना भी उसने जो है वो डिस्टेंस परफॉर्म किया है, वर्क डन किया है, यहाँ से लेकर चाहे वो यहाँ तक हो, चाहे वो यहाँ तक हो, आपने ये वाला डिस्टेंस जो है वो इसके अंदर डालना है। अब ये एक्स भी हो सकता है, इस पॉइंट क्यू को कंसीडर करोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो एक्स आएगा, और अगर टोटल आप देख रहे हो कि वहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप लोग देख रहे हो कि
सरफेस ऑफ अर्थ के बिल्कुल नियरली जो है वो पहुंच गई है, तो या फिर बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पहुंच गई है, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो आपके पास एच होगा, और ये पूरा अगर उसने लॉस कर दिया तो वो कम्प्लीटली किसके इक्वल चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल चला जाएगा। मतलब उसकी पूरी एनर्जी फर्ज करो कि यहाँ पे 10 थी, ठीक है 10 जूल थी, तो जब वो नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ होगी, मतलब थोड़ा सा ऊपर होगी, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी 10 थी वो अब काइनेटिक एनर्जी के इक्वल चली जाएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल चली जाएगी जीरो के। तो ये केस हो रहा होता है, ये हमारे पास पहला केस है, ठीक है। अगर इसको मज़ीद आप इक्वेशन बनाना चाहो, खोल के लिखना चाहो, तो आप लिख सकते हो ये एम से एम कट गया, ठीक है, ये टू यहाँ पे आ गया तो टू जी एच, और हमारे पास ये टू भी जो है वो हमारे पास टू यहाँ पे चला गया, तो टू जी एच इक्वल्स टू वी का स्क्वायर, इसको पलट के लिख दो तो वी का स्क्वायर इक्वल्स टू जी एच, और अगर ऊपर दोनों तरफ रूट ले लो तो इससे ये कट जाएगा, और वी की जो वैल्यू आएगी वो टू जी एच के इक्वल आएगी। तो ये हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे नोट्स के अंदर यहाँ पे भी ला के छोड़ते हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे नोट्स के अंदर यहाँ पे भी छोड़ देते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो फ्रिक्शन की वैल्यू ना हो, फ्रिक्शन को हम लोग कंसीडर ना करें, तो हम लोग सिर्फ वर्क डन देख रहे होते हैं कि उस बॉडी ने यहाँ से नीचे कितना वर्क डन किया है, या फिर कितना लॉस आया असल में, ये वाला लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये बेसिकली होता क्या है, ये वर्क डन ही होता है जो उस बॉडी ने परफॉर्म किया हुआ होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल चला जाता है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के, वही जो है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल चला जाता है। ये हमारे पास था पहला केस। अब अगर हम लोग दूसरे केस के ऊपर जाएं, ठीक है, ये काफ़ी इजी से था, अगर उतारना है तो उसको वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है उसको उतार सकते हो। अब अगर हम लोग जो है वो दूसरे केस के ऊपर जाएं, ठीक है, कि फ्रिक्शन जो है वो मौजूद हो, और फ्रिक्शन को भी हम लोग जो है वो कंसीडर करें, तो फिर हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है, और उसी इक्वेशन को हम लोग वर्क एनर्जी इक्वेशन बोल रहे होते हैं, ठीक है। अभी तक जो हमने किया ये सिर्फ एक केस किया है, और वर्क एनर्जी इक्वेशन अभी तक जो है वो डिराइव नहीं हुई है, वर्क एनर्जी इक्वेशन ये दूसरे केस के अंदर है। और ये केस क्या है कि व्हेन फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, या फिर फ्रिक्शन को हम लोग कंसीडर कर रहे हो। अच्छा, अब अगर फ्रिक्शन यहाँ पे मौजूद होगी तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि W जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द बॉडी के, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी। F जो है वो आपके पास क्या है, फ्रिक्शन, मतलब F से हम लोग फ्रिक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दो फोर्सेस आ गई हैं, पिछले केस के अंदर क्या था, सिर्फ एक फोर्स थी जो वर्क डन करवा रही थी, अब यहाँ पे क्या है, दो फोर्सेज हैं जो वर्क डन करवा रही होंगी। मतलब ये कि ये बॉडी है, ये नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है, फिर कौन सी फोर्स इसको नीचे की तरफ लेके जा रही है, वेट की फोर्स। लेकिन हमने क्या किया कि अब फ्रिक्शन की फोर्स को भी जो है वो कंसीडर कर लिया है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग रही है, और इसको जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है, रेजिस्टेंस की जो है वो ये एक फोर्स है। अब ये दोनों फोर्सेज हैं, और अगर दोनों फोर्सेज बॉडी के ऊपर लग रही हों, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हों, तो हम लोगों ने काफ़ी जगहों पर पढ़ा हुआ है कि फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है नेट फोर्स का, ठीक है, कि कितनी ऐसी फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ लेके जा रही होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो नेट फोर्स इसके बराबर आएगी, जो इसको नीचे की तरफ असल में लेके जा रही होगी, जो इसके ऊपर वर्क डन करवा रही होगी इसको नीचे की तरफ लेके जाने के लिए, वो किसके बराबर होगी, बड़ी वाली फोर्स, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि W जो है वो बड़ी है, और माइनस छोटी वाली फोर्स जो कि फ्रिक्शन की फोर्स है जो इसके ऊपर ऊपर की डायरेक्शन के अंदर लग रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स की वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स की वैल्यू। अब अगर हम लोग देखें कि वर्क डन की वैल्यू के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब ये दोनों फोर्सेस थी, तो हमने जो है यहाँ पे नेट फोर्स निकाली है। नाउ अगर हम लोग जो है वर्क डन को देखें, वर्क डन ऑन बॉडी, कोई सी भी अगर चीज़ है, बॉडी है, पत्थर है, या फिर कोई से भी एक बॉल है, या बॉडी इसको बोल लो, तो वर्क डन की वैल्यू किसके, या फिर कैसे निकलेगी, वर्क डन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें तो हमें पता है कि F इंटू डी के बराबर होता है वर्क डन, ठीक है। F की अगर वैल्यू डालें तो F नेट कितनी है यहाँ पे, W माइनस का F, और अगर डिस्टेंस को देखें इस पॉइंट Q के ऊपर, अच्छा इसको अभी हम लोग जो है वो स्टडी जो कर रहे हैं वो एट पॉइंट Q कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दो कि एट पॉइंट Q, यहाँ पे कहीं पे लिख देना कि एट पॉइंट जो है वो हम लोग Q कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और फिर बाद में हम लोग जनरल भी जो है वो इसको समझ लेंगे। अभी पॉइंट Q के ऊपर देख रहे हैं कि पॉइंट क्यू तक वो जब पहुंची तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही थी, एक वेट की फोर्स जो उसको नीचे की तरफ लेके जा रही थी, और एक
फ्रिक्शनल फोर्स जो कि इसको ऊपर की तरफ जो वो लेके जा रही थी। अब वर्क डन इसके ऊपर कितना हुआ होगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, नेट फोर्स डालोगे आप, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कौन सी आएगी, नेट फोर्स जो कि हमारे पास ये है वो हमने यहाँ पे डाल दी, डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का एक्स, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डी की जगह पे एक्स। ये वर्क डन हुआ होगा इस बॉडी के ऊपर जब वो पॉइंट क्यू के ऊपर पहुँची हुई है, फिर पॉइंट क्यू तक पहुँचने के लिए उसके ऊपर जो वर्क डन हुआ होगा वो इतना हुआ होगा, ठीक है। अब अगर आप इसको जो है वो W की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे बता दो कि W जो होता है वो हमारे पास mg के इक्वल होता है, तो वर्क डन, ठीक है, ये जो हमने स्टाइलिश से बनाया है W, ये वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो बगैर स्टाइलिश वाला था ये वेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो हमने यहाँ पे बता दिया था कि W जो है वो वेट है। अच्छा, अब जो है वो हमारे पास W की जगह पे आ गया mg माइनस का F और इंटू x, x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो W जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, mg x माइनस का एफ एक्स। तो ये हमारे पास वर्क डन है जो उस बॉडी ने परफॉर्म किया है पॉइंट पी से पॉइंट क्यू के ऊपर आने के लिए। अच्छा, अब हमने पिछले केस के अंदर ये देखा था कि जो वर्क डन होता है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होगा, एम जी एक्स माइनस का एफ एक्स, यानी कि वर्क डन जो उस बॉडी को करना पड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए वो इतना था, इसके बराबर था। और वही जो वर्क डन होता है असल में वर्क डन एनर्जी के ही इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और हमने पिछले केस के अंदर देखा भी था कि जो वर्क डन बॉडी ने किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए वो असल में गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल था, मतलब वही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में उस बॉडी के अंदर जो स्टोर हो रहा था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो एम एक्स है ये हमने पिछली वीडियो के अंदर क्या देखा कि जो एम एक्स था ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी था, ये क्या था, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो लिख सकते हैं कि अच्छा इसको थोड़ा सा जो है हमें बड़ा करना पड़ेगा लिखने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एक्स की जगह आप लिख सकते हो कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये जो हमारे पास एफ एक्स है बेसिकली ये क्या है, ये वर्क डन है, ये वर्क डन है, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देते हैं इसको, ये वर्क डन है अगेंस्ट फ्रिक्शन, जो इस बॉडी ने अगेंस्ट द फ्रिक्शन वर्क डन किया है ये वो है। अब अगर जो है वो हम लोग इस वाली चीज़ को इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आए तो क्या बनेगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आएगा, हमारे पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस, क्योंकि ये इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करेगा तो प्लस हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब अगर इसके अंदर आप वैल्यूज डाल दो तो जनरली अगर हम लोग बात करें इस पॉइंट क्यू की, ना बात करें, या चलो पहले पॉइंट क्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना था, एम जी एक्स था, गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, हाफ का एम वी स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला है, जितनी भी वेलोसिटी होगी इसकी पॉइंट क्यू के ऊपर, इसके बाद प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया था, एफ इंटू एक्स इक्वल आया था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन गई, एक कौन सी वाली, एट पॉइंट क्यू, ये हम लोग जो काम कर रहे हैं पॉइंट क्यू के लिए किया है, ये एक इक्वेशन बनी है, ठीक है। अब अगर जनरली बात करें कि हमारे पास जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स होता है, और x की जगह पे हम लोग सिंपल जो है वो h डाल दें, क्योंकि पीछे भी हमने यही किया कि जनरली जो है वो हमने x को रिप्लेस करके h को जो है वो यूज़ किया, मतलब h कुछ भी हो सकता है, x तो जो है वो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये वाला डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर अगर आप लोगों ने देखना है या फिर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ है, तो आप ऐसे करोगे कि आपको जो है वो वेलोसिटी की वैल्यू पता होगी इस पॉइंट के ऊपर की कितनी है, इस पॉइंट के ऊपर, इस क्यू के ऊपर कितनी वेलोसिटी उस बॉडी की, और ये वाला डिस्टेंस जो आपको पता है फ्रिक्शन की फोर्स जो आप इसके अंदर डालो तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम लोग जो है वो जनरली बात करें, ठीक है, इसको कंक्लूड करें, तो एक्स की जगह पर हम लोग एच डाल देंगे कि एच जो है वो कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पर बता भी दो एच जो है वो कुड बी एनी डिस्टेंस, ठीक है, जो बॉडी ने जो है वो परफॉर्म किया होगा ऊपर से नीचे तक। तो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो किसके इक्वल बनेगी, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ का एम वी स्क्वायर
और प्लस का एफ इंटू एक्स, और इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी इक्वेशन। मतलब क्या हुआ कि हमने जो दूसरा वाला केस किया था, जो सेकंड वाला केस किया है इस वाली डेरिवेशन के अंदर, कौन सा था वो, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन जो है, ये वाला जो केस था, इसकी जो डेरिवेशन या फिर इसकी जो इक्वेशन लास्ट में बनी है हमारे पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था वो आज का टॉपिक था, और आज के लिए इतना ही। अब आखिरी जो टॉपिक हमारा रह गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।